लोकसभा इलेक्शंस 2024 बारामूला कनेक्शन सीट के हवाले से लगातार सुबह से हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको 1 बजे का अपडेट जो है अभी हमारे पास आया, तो हम आपको ये बताएंगे कि ओवरऑल जो परसेंटेज है बारामूला कनेक्शन सीट की वो 34.79 की परसेंटेज रह गई। अभी जिस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये पटन सब डिवीज़न का एक इलाका है नवलूरी पटन, और हम आपको विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं। लगातार जो है लोग पोलिंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, मर्द और जन दोनों जो है भरपूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोगों की काफ़ी भीड़ जो है हमें आज सुबह से ही देखने को मिली कि जो लोग जो है जोग पोलिंग बूथ्स पे आए और अपना कीमती वोट जो है उन्होंने कास्ट किया। अभी अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और एनसी के कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला ने भी जो है कई सारे पोलिंग बूथ्स का दौरा किया, और उन्होंने भी जो है ये यहाँ पे लोगों से बात की और पोलिंग को जो है स्मूथली यहाँ पे पाया गया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि विजुअल्स में आप जो देख पा रहे होंगे, पलहालन का एरिया भी आप देख पा रहे होंगे कि पलहालन जो कि हमेशा से बायकॉट के इस पर होता था, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की कितनी बड़ी भीड़ पलहालन के एरिया में है, और लोग जो है सुबह से ही कई सारे बूथ जो पलहालन में है, जैसे हम सदरबल की बात करेंगे, पलहालन मेन की बात करेंगे, और भी कई सारे बूथ जो है पलहल के हर एक कोने से जो है लोगों की काफ़ी भारी तादाद जो है पोलिंग बूथ्स पे आई और उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। नाज़रीन, आपको जो है अभी अपडेट देता हूँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से। बांडीपुरा की अगर बात करेंगे, तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर उसका हम आपको डेटा दे दो, 35.77%, बारामूला 31.68%, बीरवा 38%, बड़गाम जो है 33%, गुलमर्ग 30%, हंदवाड़ा 38%, करना 37%, कपवाड़ा 33%, लंगेट जो है बारी वहाँ पे वोटिंग हुई है 40%, लोलाब में 37%, पटन 32%, रफियाबाद 37%, सोनावारी 36%, सोपोर 19%, त्रेगाम 35%, उड़ी जो है 38%, और वागुरा क्रीरी 32%। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे अभी तक जो है 1 बजे का अपडेट अगर हम कहें, तो लंगेट में जो है 40% वहाँ पे अभी तक वोटिंग हुई। ओवरऑल अगर हम बारामूला पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो अभी तक जो है 34.79% जो है वोट यहाँ पे टर्न आउट हुआ है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे जो है अभी भी जो है काफ़ी टाइम बचा हुआ है वोटिंग के लिए, तो लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा जो है टर्न आउट देखने को मिलेगा। नाज़रीन, मैं आपको विजुअल्स में जो दिखा रहा हूँ पलहालन का एरिया और पटन के कई सारे सब डिविजन्स हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कैसे लोग बाहर आ रहे हैं और अपना कीमती वोट जो है उसको कास्ट कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर से मोहसिन खान, KNS।